हेलो फ्रेंड, युवा कंप्यूटर एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं यूट्यूब के द्वारा आपको टैली का कोर्स करा रहा हूं, और टैली में मैंने अभी तक क्या क्या पढ़ा दिया है थोड़ा सा आपको मैं रिकॉल करा दूं। टैली में आपको मैंने कंपनी क्रिएट करना बता दिया, उसके बाद लेजर बता दिया हूँ आपको, लेजर, और उसके बाद मैंने आपको बताया था स्टॉक ग्रुप ग्रुप और आपको बताया था स्टॉक ग्रुप। इसके बाद आपको बता दिया था वहां पे स्टॉक आइटम भी बता दिया था और यूनिट क्रिएट करना बताया था। उसके बाद मैंने आपको बाउचर भी बताया था। क्या बताया था? बाउचर। बाउचर में मैंने आपको 7 बाउचर अभी तक बता दिया है। आज मैं आपको बताऊंगा कि जनरल बाउचर में एंट्री कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जनरल बाउचर में कौन सी एंट्री किया जाता है, ठीक है? तो जनरल बाउचर क्या हो जाएगा यहाँ पे? जनरल बाउचर की एंट्री कब किया जाता है टैली में? जब, ठीक है, जनरल बाउचर में एंट्री कब किया जाता है? इस बाउचर के अंतर्गत या इस बाउचर का उपयोग मुख्य रूप से एडजस्टमेंट करने के लिए किया जाता है। काहे के लिए किया जाता है? एडजस्टमेंट करने के लिए किया जाता है, यानी जो एंट्री किसी अन्य बाउचर में नहीं आती उसकी एंट्री आप जनरल बाउचर में कर सकते हैं। जनरल बाउचर में एंट्री करने के लिए आपको डेबिट और क्रेडिट का नॉलेज होना चाहिए कि डेबिट कौन सी लेजर आएगी और क्रेडिट कौन सी लेजर आएगी, क्योंकि जनरल बाउचर में जब आप एंट्री करोगे तो वहां पर डेबिट और क्रेडिट के आधार पर ही एंट्री किया जाता है, ठीक। जनरल बाउचर, जनरल बाउचर में जाने के लिए आपको कौन से स्टेप फॉलो करने होंगे यहाँ पे? जनरल बाउचर में जाने के लिए आपको गेटवे ऑफ, सबसे पहले टैली ओपन करना है, टैली ओपन करना है। इसके बाद आपको जाना है गेटवे ऑफ टैली में, गेटवे ऑफ टैली में। इसके बाद आपको जाना है अकाउंटिंग बाउचर में, अकाउंटिंग बाउचर में, अकाउंटिंग बाउचर, अकाउंटिंग बाउचर में जाने के बाद आपको जाना है, जैसे आप अकाउंटिंग बाउचर में जाना है और इसके बाद क्या करना है आपको? एंटर करोगे, एंटर करोगे तो आपके पास यहाँ पे बाउचर क्रिएशन की विंडो ओपन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बाउचर की विंडो ओपन हो जाएगी। इसके बाद आपको शॉर्टकट की से क्या करना है? F7 बटन प्रेस करना है। क्या करना है? F7, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है जनरल बाउचर की? F7 होती है। जैसे आप F7 बटन प्रेस करोगे आपके पास जनरल बाउचर की विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक। यहाँ पे आपका लिखा रहेगा जर्नल, जर्नल, ठीक है, आ जाएगा यहाँ पे आपका। अब आ जाएगा यहाँ पे इसके विंडो में एक जगह यहाँ पे डेबिट रहेगा फर्स्ट में और क्रेडिट, ठीक। तो आप थोड़ी सा यहाँ पे अब मैं ये समझा दूं कि इसमें एंट्री कैसे रहेंगी। जैसे मैंने बोला आपको यहाँ पे कि राज ट्रेडर्स से क्या किया, राज ट्रेडर्स से 1000 रुपये का माल वापस आया, ठीक। पहली एंट्री मैंने यहाँ पे बोला कि राज ट्रेडर्स ट्रेडर्स से 1000 रुपये का माल वापस आया, वापस आया। तो इस कंडीशन में आप इस एंट्री को क्या करोगे? जनरल बाउचर में एंट्री करोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो आपकी जो एंट्री है यहाँ पे ये क्या है? एक राज ट्रेडर्स है। क्या है? राज ट्रेडर्स। आपने इसको क्या किया था? प्रोडक्ट बेचा हुआ था, मतलब इसको आपने क्या किया था यहाँ पे? सेल्स किया था। क्या किया था? सेल्स किया था, ठीक। और आपके पास अब वहां पे आपने कुछ प्रोडक्ट वहां पे सेल्स किया होगा, लेकिन आप ये बोल रहे हो यहाँ पे कि 1000 का माल क्या हुआ? वापस आया है। क्या हुआ है?
वापस मतलब यहाँ पे सेल्स रिटर्न हुआ है, क्या हुआ है? सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न हुआ है, सेल्स रिटर्न। अब देखो यहाँ पे आपको जनरल वाउचर एंट्री करने के पहले आपको यहाँ पर क्या क्या लेजर बनानी पड़ेगी, तो आपको पहले आ जाएगा यहाँ पे लेजर बनाना होगा सबसे पहले। तो लेजर बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको कौन सी लेजर लगेगी? पहली लेजर आपकी यहाँ पे लग जाएगी, आपकी यहाँ पर पहली लेजर आएगी कि आपको ये देखना है कि किससे वापस आया, तो किससे आया? राज ट्रेडर्स से। तो आपको पहली लेजर लगेगी राज ट्रेडर्स की, क्या जाएगी? राज ट्रेडर्स, राज ट्रेडर्स, ठीक। इसके अंडर में क्या आ जाएगा? अंडर में इसके आ जाएगा आपका, आपने इसको क्या किया था? सेल्स किया था, तो अंडर में जाएगा सन्ड्री डेबिटर, सन्ड्री डेबिटर, ठीक। और दूसरी लेजर आपकी क्या आएगी यहाँ पे? दूसरी लेजर आएगी सेल्स रिटर्न की, किसकी आएगी? सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न। अंडर में इसकी क्या आता है? सेल्स रिटर्न के सेल्स अकाउंट आएगा, क्या आएगा? सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ठीक। अब बात करते हैं कि इसकी एंट्री हम जनरल वाउचर में किस तरह से करेंगे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जनरल वाउचर ओपन करना है। जनरल वाउचर ओपन करने के लिए मैंने यहाँ पे ये स्टेप बताया था आपको, ठीक। लेकिन इसके पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखिए और लाइक कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एंट्री करना। तो आप जैसे ही जनरल वाउचर में जाओगे, जनरल वाउचर में जाने के बाद आपको F2 बटन प्रेस करके क्या करना है, यहाँ पे डेट, वाउचर डेट प्रेस करना है, वाउचर डेट डालना है, ठीक है। वाउचर डेट डालने के बाद आपका यहाँ पे जनरल वाउचर में दिया रहता है डेबिट और क्रेडिट। तो आपको ये देखना है जो लेजर आपने यहाँ पे बनाया है वो कौन सी लेजर डेबिट है और कौन सी लेजर क्रेडिट है। तो फर्स्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट लेजर डेबिट की लगाना है, किसकी लगाना है? डेबिट की। तो यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट क्या है, देखो राज ट्रेडर्स से ठीक 1000 रुपए का माल वापस आया, तो आपके पास यहाँ पे क्या वापस आ रहा है, आपको क्या डेबिट हो, क्या डेबिट हो रहा है? सेल्स रिटर्न। हमेशा जो भी आप डेबिट और क्रेडिट रखोगे तो खुद पर कंडीशन लगाना है, किसमें लगाना है? खुद पर, जब आप डेबिट और क्रेडिट का सही चुनाव कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो राज ट्रेडर्स कौन हो? स्वयं, स्वयं के ले लो यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पास क्या आया यहाँ पे, 1000 का माल वापस आया, मतलब सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न क्या है, आपको प्राप्त हो रहा है, तो आप सेल्स रिटर्न की लेजर किसमें रखोगे? डेबिट में। और आप के पास से क्या आ जाएगा, 1000 रुपए क्या हो जाएगा आपका? क्रेडिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्रेडिट, किसके पास? यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से क्या करना है आपको, वाउचर में आ जाना है, आपकी फर्स्ट लेजर यहाँ पे क्या आ जाएगी? सेल्स रिटर्न, यहाँ पे लिखा रहता है डेबिट DR, ठीक है। आपकी लेजर क्या आ जाएगी यहाँ पे? सेल्स रिटर्न, रिटर्न। और कितना डेबिट हुआ है आपको? 1000 का सेल्स रिटर्न क्या हुआ है? डेबिट हुआ है, ठीक है। और जैसे आप यहाँ डेबिट करोगे ऑटोमेटिक आपकी यहाँ पे जैसे आ जाएगी, आपको क्या करना है? फिर स्पेस करना है। और क्रेडिट में कौन सी लेजर आ जाएगी यहाँ पे आपकी? राज ट्रेडर्स की, राज ट्रेडर्स, ठीक। और आपका क्रेडिट में आ जाएगा 1000 रुपये। इस तरह से आपको क्या करना है, जनरल वाउचर में एंट्री करना है। एक एंट्री और यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता दे रहा हूँ, तो इसको मैं रब कर रहा हूँ, यदि आपको स्क्रीनशॉट मारना है तो मार सकते हैं। हाँ, तो आपने स्क्रीनशॉट मार लिया होगा, इसको अब मैं रब करता हूँ यहाँ।
चलते हैं दूसरी एंट्री की तरफ। तो दूसरी एंट्री आपकी रहेगी 3,000 रुपए का नगद परचेस किया, 3,000 रुपए का नगद परचेस किया, परचेस किया। ठीक, अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, आपको कितनी लेजर बनाना होगा यहाँ पे। लेकिन इसके पहले आप ये समझो कि इसकी एंट्री आप जनरल वाउचर में क्यों करोगे। तो जनरल वाउचर में इसलिए करोगे यहाँ पे कि आपको क्या दिया गया है, केवल कि परचेस किया, कितने रुपए का किया आपने, कितने रुपए का किया यहाँ पे, 3,000 रुपए का, कितने का किया, 3,000 रुपए का। आपको परचेस में ये बताया नहीं गया कि आपने कौन कौन सा प्रोडक्ट कौन कौन सी कंपनी का किया। यदि आपको यही मालूम होता तो आप क्या करते, इसकी एंट्री परचेस वाउचर में कर देते, है ना। इसलिए यहाँ पे आपको क्या करना है, इस एंट्री की आपको एंट्री कहाँ पे करना है, जनरल वाउचर में। जनरल वाउचर ओपन करने के पहले आपको यहाँ पे क्या करना होगा, लेजर कौन सी बनाना होगा इसके लिए। तो लेजर क्या जाएगी यहाँ पे, पहली तो आपकी आ जाएगी, देखो परचेस किया जाएगी, किसकी जाएगी, परचेस अकाउंट। ठीक, और अंडर में क्या रहता है इसका, परचेस आता है, क्या आता है, परचेस अकाउंट। ठीक, और दूसरी लेजर क्या जाएगी इसमें, एक तो कैश की काम करेगी, किसकी काम करेगी, कैश की। अंडर में क्या आता है इसके, कैश इन हैंड, जो कि आपकी टैली में पहले से बनी होती है लेजर। ठीक, अब यहाँ पे आपको देखना है कि आपकी कौन सी लेजर क्रेडिट है और कौन सी लेजर डेबिट है। यहाँ पे ध्यान से पढ़ो, आपकी 3,000 रुपए का नगद परचेस किया तो आपको यहाँ पे क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा। तो आपने क्या किया है, परचेस, तो आप जो भी परचेस करोगे आपके पास क्या होगा यहाँ पे, डेबिट होगा परचेस, क्या होगा, डेबिट। आप परचेस करने के बदले में 3,000 रुपए क्या किए हो यहाँ पे, नगद का परचेस किए हो, तो आपका जो कैश है वो किस में जाएगा, क्रेडिट में। तो आप एंट्री यहाँ पे कैसे करोगे, आपको जाना है अकाउंटिंग वाउचर में और जनरल वाउचर F7 बटन प्रेस करके क्या करना है, आपको ओपन करना है। ठीक, आपका यहाँ पे आ जाएगा डेबिट और क्रेडिट। तो आपको यहाँ पे पहली लेजर काय की लगाना है, डेबिट वाली, यहाँ पे आप DR रहता है, ठीक है, DR मतलब डेबिट। तो आपको पहली लेजर काय की लगाना है यहाँ पे, परचेस, परचेस अकाउंट, कितने का परचेस है आपका, 3,000 रुपए का। ठीक है, और दूसरी लेजर आपकी यहाँ पे आ जाएगी क्रेडिट वाली, तो क्रेडिट क्या है आपकी, कैश। कैश यदि यहाँ पे नहीं आ रही है तो आपको फीचर में जाकर के इसको एनेबल करना होता है, ध्यान रखना है। पे एनेबल करने के लिए मैं आपको आगे वाले वीडियो में, किसी भी वीडियो में आपको मैं बता दूंगा यहाँ पर। ठीक, तो कैश आपको क्या जाएगी यहाँ पे, कैश और क्रेडिट ऑटोमेटिक क्या जाएगा यहाँ पे, 3,000 रुपए। ठीक है, और आपको आपको क्या करना है, आगे एक्सेप्ट करना है या कंट्रोल प्लस ए से क्या कर देना है, कंट्रोल प्लस ए से सेव कर देना है। इस प्रकार से आप टैली में जनरल वाउचर में एंट्री कर सकते हैं। मैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।